ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 20 नवंबर 2020, फ्राइडे है, सुबह के 8:38 हो रहे हैं। तो आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, कल वीकली एक्सपायरी का दिन था। जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, ऊपरी लेवल से जो फॉल आया ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिला। तो जैसे ही 13,000 के तरफ निफ्टी इंडेक्स बढ़ रहा था, ओवर बॉट हो चुका था निफ्टी इंडेक्स, और वहां से एक करेक्शन हमें आते हुए दिखा। कल हमने टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त आइडेंटिफाई किया था कि कैसे आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रहे, प्राइस एक्शन में हायर हाइस बन रहे लेकिन आरएसआई जो है वो लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है। तो एक सिग्नल, एक अलर्ट दे रहा था हमें आरएसआई कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है प्राइस एक्शन में। और एक कल न्यूज थी, कल कुछ मीडिया हाउसेस ऐसा दिखा रहे थे कि इंडिया ने पीओके में एयर स्ट्राइक कर दिया है। अभी एयर स्ट्राइक कर दिया है, पास्ट में भी हमने देखा 1-1.5 साल पहले कि जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था तो पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया था। तो इसका बाद में काफी कुछ बढ़ चुका था, ये जो एयर स्ट्राइक था इसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो इस बार भी कुछ ऐसा होगा। तो इसके कारण भी थोड़ा सा एक पैनिक मूव देखने को मिल रहा था मार्केट के अंदर। तो ऐसा जब तक आर्मी की तरफ से कोई क्लियर न्यूज लेटर नहीं आता बाहर, तब तक इन न्यूज चैनल्स जो है उनके वजह से काफी कुछ पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में भी। तो ये भी एक छोटा कल कारण था कि कल 200 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिला। तो निफ्टी इंडेक्स अभी करेक्शन के मूड में है, देखते हैं कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से बाउंस बैक फिर से हो सकता है। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 19 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,949 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,881। तो शुरू में तो निफ्टी इंडेक्स काफी कुछ ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, दो बार इसने पेनेट्रेट किया, ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट 12,964 अचीव हुआ, और एग्जैक्ट यहाँ से इसने 3 टाइम इस लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस करके टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ। और जैसे ही इसने डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया था और नेक लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, तो और भी तेजी से टूवर्ड साउथ की तरफ आया, और ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 12,866 और सेकेंड टारगेट 12,841 ये अचीव्ड हुए, और यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ ये तेजी से ट्रेड करता हुआ हमें नजर आया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 23 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 17,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते। कल यूएस मार्केट में देखे तो नासडैक करीब 103 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट में लेकिन अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 34 पॉइंट के एक बाउंस बैक के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जापानीज इंडेक्स देखे तो 167 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो अभी फिर से एक बार 200 पॉइंट का यहाँ पर एक शार्प फॉल आते हुए नजर आ रहा है डाउ फ्यूचर में। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा यहाँ पर एक कमजोरी, एक टूवर्ड्स करेक्शन की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरुआत करेंगे। डेली चार्ट में अभी अगर हम प्राइस एक्शन और आरएसआई को देखें तो आरएसआई यहाँ पर अभी ओवरबॉट जोन में जा चुका था, तो यहाँ पर एक करेक्शन आना एक लाजमी था। जैसे कि हमने कल वीकली चार्ट में देखा था आरएसआई यहाँ पर 70 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है, ये वीकली चार्ट है। 70 के आसपास जैसे ही जाता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में एक करेक्शन देखने को मिलता है। अभी डेली चार्ट में अगर कैंडलस्टिक की भी बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन रहे हैं। पहले तो हमने देखा हैंगिंग मैन जैसे कैंडलस्टिक बन रहे हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। कंफर्मेशन के लिए हैंगिंग मैन का लो जो होता है, लो लेवल, ये ब्रेक होना काफी जरूरी होता है।
अभी इसका हैंगिंग मैन का लो भी ब्रेक हुआ है और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यानी ऊपर इसने लंबा टेल छोड़ दिया है। कंपेयर टू लोअर शेडो, अपर शेडो काफी बड़ा है, यानी ऊपरी लेवल पे बुल्स का कंट्रोल यहाँ पर से चला गया है। तो अभी कल का ये जो अगर लो अगर ब्रेक करता है तो कहाँ पर सपोर्ट होगा, इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो इसका 23.6% का लेवल 12,600 के पास आ रहा है, यानी जहां पर इसने अभी कुछ दिनों पहले एक सपोर्ट टेस्ट किया 2 दिन, और यहां से इसने बाउंस बैक किया यानी ऑलमोस्ट 12,600 के पास। उससे पहले जब यहां से ये फिर से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ा था तो एक बीच में यहां पर एक गैप क्रिएट हुआ है ऑलमोस्ट 12,750 के पास। तो जब तक 12,740 750 को कंफर्टेबली ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ से आज के लिए शॉर्ट बनाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। अगर ये कंफर्टेबली 12,740 को ब्रेक करता है तो यहाँ से हम शॉर्ट यहाँ पर बना सकते हैं, और फिर उसके बाद 12,600 का फर्स्ट सपोर्ट होगा, वो ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स ये 20 EMA का जो पिंक लाइन है इसको दोबारा टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ सकता है। तो ये डेली चार्ट का फिलहाल सिनारियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम इसे 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो आप देख सकते हैं कल इसने यहाँ पर एक दो बार यहाँ पर बॉटम टेस्ट किया है, यानी ऑलमोस्ट 12,750 के पास। तो अगर यहाँ से ये दो बार इसने टेस्ट किया तो यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो ऊपर ये 20 EMA का फर्स्ट हर्डल होगा यहाँ पर, जो कि 12,800 के पास है। और ये अगर कंप्लीट करता है ये जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, ये फर्स्ट बॉटम इसके बाद बाउंस, ये फिर सेकेंड बॉटम, और अगर यहाँ से ये फिर से ऊपर की तरफ बढ़ता है और इसको अगर ब्रेक करता है तो ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर से हमें यहाँ से अपसाइड मूव आते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जैसा कि डेली चार्ट में पैटर्न बन रहा है कैंडलस्टिक का, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये हर्डल फेस करके फिर से टूवर्ड्स से साउथ की तरफ आता है और 12,750 को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर से फिर से एक शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए क्या हो सकता है, इंट्राडे लेवल्स देखते हैं, 60 मिनट का चार्ट फॉलो करेंगे। अगर ये कल का लो यानी ऑलमोस्ट 12,747 को ब्रेक कर देता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,727, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा ये ब्लू लाइन जो कि 50 EMA का लाइन है, 12,711, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अब ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ये ट्रैप हो चुका है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म, तो ये यहाँ पर काफी सारे हर्डल्स है ऊपर जाने के लिए। पहले तो पिवट पॉइंट का एक छोटा सा हर्डल है, फिर उसके बाद 20 EMA का हर्डल है। तो पिवट पॉइंट का अगर ये लेवल क्रॉस करता है 12,826, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ये जब ऊपर गया था तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग लो बना के ये बाउंस बैक हुआ है, तो 12,826 को अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा छोटा सा 12,845, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 12,866, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड।